Hi everyone, welcome back. Our today's topic is passive voice of tenses. To make our writing and speaking more impressive, passive voice are very important. So most of the students find this topic very difficult in English grammar. I hope this video would be very useful to you. So let's begin the topic. Let's see what is passive and active voice. First, we use active voice to say what the actor or subject does. So, active voice कहाँ use करते हैं हम? जब हम बताते हैं subject क्या करता है, means काम को करने वाला क्या करता है, जब focus ज़्यादा काम को करने वाले के ऊपर होता है. For example, I teach students. I teach students. मैं students को पढ़ाती हूँ. So, I teach. कौन teach करवा रहा है? I क्या है? Subject है. Right? This sentence is in active voice. As we have done tenses and modals. वो सब किस में थे? Active voice में थे सब. Right? जहाँ पे subject पे focus होता था, काम को करने वाले के ऊपर focus होता था. राइट उन सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. वेयर एज इन पैसिव वॉइस इट इज यूज्ड टू से व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट. एज आई टोल्ड यू एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है एंड पैसिव वॉइस में काम के ऊपर फोकस होता है. ऑब्जेक्ट मींस काम. फॉर एग्जांपल आई डू दिस वर्क. I do what I do this work. This work is a object here, right? Passive voice में object है as a subject का काम करते हैं. ठीक है passive voice में काम पे focus होता है, काम को करने वाले के ऊपर focus नहीं होता. Let's see what is passive voice. Passive voice is used when the focus is on the action, not on the subject or actor. राइट पैसिव वॉइस में जैसे मैंने आपको अभी बताया फोकस किस पे होता है? एक्शन के ऊपर होता है, काम के ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता, काम को करने वाले के ऊपर नहीं होता. सब्जेक्ट हम उसी को ही कहते हैं जो काम को करने वाला होता है. फॉर एग्जांपल माय मदर कुक्स फूड. कौन कुक करता है? माय मदर. माय मदर इज अ सब्जेक्ट हियर. राइट सो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं होता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है एक्टिव वॉइस में. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल सेंटेंसेस. माय ब्रदर लर्न्स हिज लेसन डेली. सो माय ब्रदर इज अ सब्जेक्ट हियर बिकॉज अपना लेसन कौन लर्न करता है? माय ब्रदर. सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मेरा ब्रदर अपना लेसन डेली याद करता है. कौन याद करता है? माय ब्रदर. सो माय ब्रदर इज अ सब्जेक्ट हियर. वो क्या याद करता है? अपना लेसन. सो अपना लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट है, काम है. ठीक है तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हिज लेसन. राइट वेयर इज इन पैसिव सेंटेंस हिज लेसन इज लर्न्ड बाय माई ब्रदर. मेरे ब्रदर के द्वारा अपना लेसन याद किया जाता है. सो यहाँ पर फोकस किसके ऊपर हुआ? काम के ऊपर हुआ. ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है. ठीक है सो ये सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में है. हिज लेसन इज लर्न्ड बाय माई ब्रदर. राइट सो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट? His lesson and वहाँ पर subject था my brother active voice में and passive voice में object as a subject का काम करता है. means हम पहले काम लिखेंगे जो काम हुए, काम को करने वाले के ऊपर focus नहीं होता. sometime काम को करने वाला sentence में होता ही नहीं. for example बच्चों को पढ़ाया जाता है means काम किसी के द्वारा होने की सेंस होती है.
बच्चों को पढ़ाया जाता है। मीन्स काम किसी के द्वारा हो रहा है, बच्चों को किसी के द्वारा ही पढ़ाया जाता होगा, राइट? सो चिल्ड्रन आर टॉट। यहाँ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। सो बांटने वाला नहीं है इसमें, काम को करने वाला नहीं है इस सेंटेंस में। सो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, राइट? स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। हम इस सेंटेंस को इस तरह भी बोल सकते हैं, मिठाइयाँ राम के द्वारा बांटी जाती हैं, तो भी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही होगा। फोकस किसके ऊपर है ज़्यादा? काम के ऊपर है। सो जो सब्जेक्ट है उसको हम लास्ट में लिखेंगे, मीन्स काम को करने वाला है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राम। बट यही सेंटेंस अगर मैं एक्टिव वॉइस में बोल रही हूँ, राम मिठाइयाँ बांटता है, राम डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स, तो ये एक्टिव में होगा, जहाँ पर हम सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाले को पहले सेंटेंस में स्टार्टिंग में लिखते हैं। इन पैसिव वॉइस हम काम को पहले लिखते हैं, काम क्या किया जाता है, क्या बांटा जाता है, स्वीट्स, हम पहले स्वीट्स लिखेंगे। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? लेट्स लर्न पैसिव वॉइस विद इंडिविजुअल टेंसेस। First tense is simple present tense. Let's see the sentence in simple present tense in active voice. Active voice में sentence किस तरह होता है? Active voice हम कर चुके हैं already, ठीक है? But हम active voice के साथ passive voice learn करेंगे। वो घड़ियाँ बेचता है। कौन बेचता है घड़ियाँ? वो। तो हम sentence किस तरह बनाएंगे? He sells watches. इसी सेंटेंस को अगर हमने पैसिव वॉइस में बनाना है तो किस तरह बनाएंगे? क्या बेचता है? वो घड़ियाँ बेचता है ना, तो घड़ियाँ क्या होगी? पहले लिखेंगे हम उसको इंग्लिश में। अगर हिंदी में सेंटेंस बनाएं तो किस तरह बनेगा? घड़ियाँ उसके द्वारा बेची जाती हैं। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, घड़ियाँ बेची जाती हैं उसके द्वारा। हम ना लिखें बेट, अब हमारी मर्जी है, राइट? फोकस किसके ऊपर है? काम के ऊपर है। पैसिव वॉइस में सेंस होती है हमेशा काम किसी के द्वारा होने की, राइट? सो पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, राइट? मतलब घड़ियाँ, जो कि सब्जेक्ट का काम करेंगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे। वॉचेस आर सोल्ड बाय हिम, इसका रूल है इज एम आर थर्ड फॉर्म, राइट? सो वॉचेस क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने आर यूज किया। आर सोल्ड बाय हिम, किसके द्वारा? उसके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे हमने बोला मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट का ही पैसिव होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में ता है ती है का यूज हुआ, राइट? एक्टिव वॉइस में हमने किया है सेंटेंस की लास्ट की पहचान है ता है ती है ते हैं। सो पैसिव वॉइस में भी ता है ते हैं ती है का ही यूज होगा। बट आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? पैसिव वॉइस में सेंटेंस में हमेशा सेंस होती है किसी के द्वारा काम होने की। इफ आई एम सेइंग बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, काम किसी के द्वारा होने की सेंस है। यहाँ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो ये भी पैसिव वॉइस में होगा ना, ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव होगा क्योंकि लास्ट में ता है ती है का यूज हो रहा है, ठीक है? तो ये सेंटेंसेस किस में होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में। चिल्ड्रन आर टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर टॉट। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी में पहचान क्या होती है?
रहा है, रही है, रहे हैं, राइट? सो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस किस तरह होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, वो घड़ियां बेच रहा है, सो ही इज सेलिंग वॉचेस, ही इज सेलिंग वॉचेस, वो घड़ियां बेच रहा है। अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो घड़ियां उसके द्वारा बेची जा रही हैं, ऐसा ही होगा ना सेंटेंस, घड़ियां उसके द्वारा बेची जा रही हैं। यहां आप देख सकते हैं लास्ट में रहा है, रही है का यूज हो रहा है दोनों में, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। बट कैसे क्लियर हो रहा है कि ये पैसिव में है एंड वो सेंटेंस एक्टिव में है? क्योंकि इसमें क्या है, फोकस काम के ऊपर है, घड़ियां उसके द्वारा बेची जा रही हैं और काम किसी के द्वारा होने की सेंस है, काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, राइट? जब हम कहते हैं सड़कें रिपेयर की जा रही हैं, मतलब किसी के द्वारा रिपेयर की जा रही हैं, एंड लास्ट में रहा है, रही है का यूज़ हुआ है, तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या रूल है? सब्जेक्ट इज एम आर बींग थर्ड फॉर्म वर्ब की, राइट? सो वॉचेज आर बींग सोल्ड बाई हिम, राइट? वॉचेज आर बींग सोल्ड बाई हिम इज योर आंसर। उसे पढ़ाया जा रहा है, ही इज बींग टॉट। उसे यहाँ बुलाया जा रहा है, ही इज बींग कॉल्ड हिम, राइट? Let's see the next tense, that is present perfect tense. Present perfect tense में active voice में क्या rule है, जैसे कि हमने tenses में किया है, इसमें active voice में क्या rule होता है? वो घड़ियां बेच चुका है, last में चुका है, चुकी है, और किया है, गए हैं, रुके हैं, ये पहचान होती है present perfect tense की active voice में, ठीक है? He has sold watches. वो घड़ियाँ बेच चुका है. So इसी को हम passive voice में किस तरह बनाएंगे? घड़ियाँ उसके द्वारा बेची जा चुकी हैं. ठीक है? दोनों में last के sentence की पहचान same है. But क्या है? काम किसी के द्वारा होने की sense को हम passive voice कहते हैं. Watches have been sold by him. So इसका rule होगा has have been थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, राइट? घड़ियां उसके द्वारा बेची जा चुकी हैं, बच्चों को पढ़ाया जा चुका है, उन्हें यहां बुलाया जा चुका है, दे हैव बीन कॉल्ड हियर, मतलब किसी के द्वारा काम हुआ है, राइट? लेट सी द नेक्स्ट टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। सो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, राइट? सो सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव में सेंटेंस किस तरह होगा? देखिए, उसने एक गीत गाया, यही होता है, हमने टेंसेस किए हैं। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में सेंटेंस किस तरह होगा? उसने गीत गाया, उसने मुझे पढ़ाया, हम वहाँ गए, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, राइट? शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गीत गाया, सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं इसमें सिर्फ, राइट? इसी सेंटेंस को अगर हमने पैसिव वॉइस में बनाना है तो किस तरह बनाएंगे? उसके द्वारा एक गीत गाया गया, उन्हें यहाँ बुलाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट, ठीक है? बाय हिम हर आप लिख सकते हैं, मतलब किसी के द्वारा ही काम हुआ है। सब्जेक्ट वॉज वर थर्ड फॉर्म, हमारा रूल है पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस का। अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर, कि सॉन्ग है जो उसके द्वारा गाया गया, राइट? लेट सी द नेक्स्ट टेंस, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्टिव वॉइस में क्या पहचान है? हिंदी में पहचान दोनों में सेम रहती है वैसे। वो गीत गा रही थी, हम वहाँ जा रहे थे, मैं उन्हें पढ़ा रही थी,
मैं यह काम कर रही थी, आई वॉज डूइंग दिस वर्क, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गीत गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी सेंटेंस को अगर हमने पैसिव वॉइस में बनाना है तो किस तरह बनाएंगे? देखिए लास्ट में रहा है, रहा था, रही थी का ही यूज़ होगा, रहा है नहीं, वो कॉन्टिन्यूस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस में, राइट? तो पैसिव वॉइस में भी रहा था रही थी होगा, बट डिफरेंस दोनों में क्या है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर, मीन्स काम के ऊपर, राइट? काम किसी के द्वारा होने की सेंस होती है पैसिव वॉइस में। सो उसके द्वारा एक गीत गाया जा रहा था, अ सॉन्ग वॉज बींग संग बाय हर, सो वॉज वर बींग थर्ड फॉर्म, ये रूल है पैसिव वॉइस का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अ सॉन्ग वॉज बींग संग बाय हर, आई वॉज बींग टॉट बाय माई मदर, मेरी मदर के द्वारा मुझे पढ़ाया जा रहा था, राइट? नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? उसने एक गीत गाया था, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था, मैंने उसे पढ़ाया था, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हमने टेंसेस में किया है, आ था, किया था, चुका था, जो काम आप कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस वही होता है। सो बिफोर लर्निंग द पैसिव वॉइस यू मस्ट नो द रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस के रूल्स ज़रूर आते होने चाहिए, मींस टेंस आपको एक्टिव वॉइस में पहले आते होने चाहिए पैसिव वॉइस सीखने से पहले, राइट? जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का आपको पता होना चाहिए किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। उसने एक गीत गाया था, इसका रूल क्या होगा, हैड थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये, एक्टिव वॉइस में शी हैड संग अ सॉन्ग, उसने एक गीत गाया था। इसी सेंटेंस को अगर हमने पैसिव वॉइस में बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड बीन थर्ड फॉर्म, सो हैड बीन यूज करते हैं हम पैसिव वॉइस में, राइट? अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, उसके द्वारा एक गीत गाया गया था, बच्चों को यहाँ बुलाया गया था, चिल्ड्रन हैड बीन कॉल्ड हियर, मुझे पढ़ाया गया था, आई हैड बीन टॉट, उसे इंग्लिश सिखाई गई थी, ही हैड बीन टॉट इंग्लिश, राइट? सो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। एज आई टोल्ड यू कि हिंदी की पहचान एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में सेम रहती है, बट डिफरेंस क्या होता है, पैसिव वॉइस में काम किसी के द्वारा होता है, एक्टिव वॉइस में काम को करने वाले के ऊपर फोकस होता है, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट टेंस, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारे तीन टेंसेस होते हैं, तीनों के ही पैसिव वॉइस नहीं होते, राइट? पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस के होते हैं, हमारे टोटल 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं होते। दीज आर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, राइट? 4 टेंसेस के पैसिव नहीं होते हैं। सो नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस, एक्टिव वॉइस देखिए इसका। सो एक्टिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह का सेंटेंस होता है, शी विल लर्न फ्रेंच, वो फ्रेंच सीखेगी, वो फ्रेंच सीखेगी, शी विल लर्न फ्रेंच, राइट? इसी सेंटेंस को अगर हमने पैसिव वॉइस में बनाना है, लास्ट में गागेगी का यूज होता है, जैसे कि आप सबको पता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, मैं ये काम करूँगा, हम वहाँ जाएंगे, हम उन्हें बुलाएंगे, राइट? सो पैसिव वॉइस में रूल क्या है, सब्जेक्ट विल बी थर्ड फॉर्म एंड हिंदी में सेंटेंस किस तरह का होगा, उसके द्वारा फ्रेंच सीखी जाएगी, उन्हें यहाँ बुलाया जाएगा, मैं उसे पढ़ाऊँगा, ये एक्टिव वॉइस है, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, सो ये पैसिव वॉइस है, फ्रेंच विल बी लर्न्ड बाय हर, राइट?
Let's see the next tense, that is future perfect tense. As I told you earlier, future continuous tense का passive voice नहीं होता. So future perfect tense last tense है. इसका active voice में sentence किस तरह होगा देखिए. She will have learned French. मतलब वो French सीख चुकी होगी. उसने ये काम कर लिया होगा. जो काम आपने future में कर लिया होगा वो future perfect tense में आता है. Right? She will have learned French. They will have called here. Right? So future perfect tense का रोल क्या है? Subject will have been third form. French will have been learned by her. उसके द्वारा French सीखी जा चुकी होगी. उसके द्वारा ये काम किया जा चुका होगा. उन्हें यहाँ बुलाया जा चुका होगा. और यू कैन से उन्हें यहाँ बुलाया गया होगा. दे विल हैव बीन कॉल्ड हियर. जो काम फ्यूचर में हो चुका होगा. अगर हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, जो काम फ्यूचर में किसी के द्वारा कर दिया गया होगा. राइट? मेरे द्वारा ये कोर्स कंप्लीट कर दिया जा चुका होगा बाय 2021 में. दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी. दिस कोर्स विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी. राइट? सो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. आई होप दीज टेंसेस आर क्लियर टू यू. सो दिस इज द रूल चार्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. गो थ्रू दिस एंड दिस इज an exercise for practice. Translate these sentences according to the rules. I hope active and passive voice are clear to you. Thanks for watching the video till the end. If you like the video, then hit the like button and also share this video with your friends. Do subscribe our channel. If you have any queries, don't hesitate to comment in the comment box. We'll soon get back to you. Thank you.